फ्री फायर में आज के टाइम पे कुल 13 एक्टिव सर्वर्स है, जिनमें से इंडिया, ब्राजील, थाईलैंड जैसे और भी कई सारे कंट्रीज इन्वॉल्व है। लेकिन इन सभी कंट्रीज के सर्वर में से कौन सा सर्वर द बेस्ट है, नंबर वन सर्वर हम किसको बोल सकते हैं, इसको जानने के लिए आज का वीडियो टोटली एनालिटिकल होने वाला है, क्योंकि उसके बिना हम लोग कोई भी चीज जज करके बोल नहीं सकते कि ये सर्वर बेस्ट होने वाला है। तो टोटली वीडियो बहुत बढ़िया होने वाला है, पूरा वीडियो देखो, आई होप यू विल एंजॉय द होल वीडियो। एक गेम का सर्वर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी पर्टिकुलर गेम के लिए, चाहे वो मल्टीप्लेयर गेम हो या फिर सिंगल प्लेयर गेम ही क्यों ना हो, लेकिन हर एक गेम का एक अलग अलग सर्वर होता है आज के टाइम पे, अगर उस गेम के ऑडियंस बेस बहुत ज्यादा होते हैं तो। सर्वर एक ऐसी चीज है जो कि हर एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या फिर ऑनलाइन गेम्स का होता ही होता है, ये मैंडेटरी है, विदाउट सर्वर यू कांट रन दैट थिंग। हाँ, बट सर्वर कितने सारे होंगे वो डिपेंड करता है कि वो चीज कितना ज्यादा पॉपुलर है। अगर वो प्लेटफॉर्म या फिर गेम बहुत ज्यादा पॉपुलर है तो सर्वर बहुत सारे होंगे, और अगर वो कम पॉपुलर है तो उसके सर्वर्स भी बहुत कम होंगे, एक आध दो या तीन तक ही आपको देखने को मिल सकते हैं अगर वो कम पॉपुलर है तो। फ्री फायर जब पहली बार लॉन्च हुआ था पूरे वर्ल्ड वाइड दुनिया में, तब एक ही सर्वर हुआ करता था, वो था सिंगापुर सर्वर, जस्ट बिकॉज कि ये एक सिंगापुरियन कंपनी है, सिंगापुरियन गेम है, तो सिंगापुर का सर्वर हुआ करता था। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जब इसका ऑडियंस बेस बढ़ता गया, पॉपुलैरिटी गेन करती गई फ्री फायर, उसके बाद इसके सर्वर्स भी बढ़ते गए, क्योंकि एक ही सर्वर के अंदर इतने सारे प्लेयर्स नहीं आ सकते थे, बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली थी, ऐसे करके हमारे सर्वर्स बांटने शुरू हो गए, और धीरे धीरे हम लोग बहुत सारे सर्वर्स में आते गए, और बहुत बाद में जाके अपना इंडियन सर्वर भी आया, मतलब पहले आ नहीं गया था लेकिन बाद में जाके इंडियन सर्वर भी आया था, लेकिन उससे पहले ब्राजील, इंडोनेशिया, थाईलैंड ऐसे सर्वर्स बन चुके थे। अब आपके दिमाग में एक सवाल नहीं आता क्या कभी भी कि ऐसा क्यों होता है कि हम लोग एक ही पर्टिकुलर सर्वर में क्यों नहीं खेल सकते, पूरे वर्ल्ड वाइड एक साथ क्यों नहीं खेल सकते, ताकि हम लोग साथ में खेल सके, मजे कर सके। ये चीज पॉसिबल तो है, लेकिन जब हमारा ऑडियंस बेस बढ़ जाता है ना, एक ही साथ बहुत सारे लोग जब एक साथ खेलना शुरू कर देते हैं, उस टाइम पे ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, लाइक कनेक्शन प्रॉब्लम, और ऑल्सो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो है कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। अब देखो यार, मैं यहाँ पे इंडिया में बैठ के खेल रहा हूँ, कोई बंदा अगर खेल रहा है दुबई में बैठ के, तो उसका जो लैंग्वेज होगा, मेरा जो लैंग्वेज होगा, टोटली डिफरेंट होने वाला है। कोई ब्राजील में खेल रहा है, कोई इंडोनेशिया में खेल रहा है, कोई थाईलैंड में खेल रहा है, कोई यूएसए में खेल रहा है, तो हर एक बंदे का एक एक के साथ कम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा तकलीफ आने वाली है, प्रॉब्लम आने वाली है, दैट्स अ मेन थिंग। एंड ऊपर से भाई, एक ही सर्वर के अंदर इतना ज्यादा प्रेशर, आपको खुद पता है कि इंडियन सर्वर के अंदर अभी के टाइम पे क्या होता है, सो दैट इट्स अ वेरी वेरी बिग थिंग, बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। दैट्स व्हाई यहाँ पे सेपरेट करके एक अलग सा बेस क्रिएट किया जाता है, अगर एक पर्टिकुलर कंट्री के लिए एक पर्टिकुलर सर्वर रहेगा तो बंदे भी लिमिटेड हो जाते हैं, उस कंट्री के अंदर जितने सारे बंदे हैं उनके लिए एक पर्टिकुलर सर्वर दिया जाता है, दैट्स व्हाई कनेक्शन प्रॉब्लम भी स्टेबल रह जाता है और अच्छा खासा कनेक्शन आता है। अभी के टाइम पे तो पूरे दुनिया में फ्री फायर का 13 एक्टिव सर्वर चल रहा है, वो है इंडिया सर्वर, थाईलैंड सर्वर, ब्राजील सर्वर, मिडिल ईस्ट सर्वर जो कि मीना हम लोग बोलते हैं, एक है मेक्सिको सर्वर, एक है ताइवान सर्वर, एक है रशिया सर्वर जो कि फिलहाल के लिए थोड़ा सा टेम्पररी बैन लगा दिया गया है, ऊपर से है यूरोप सर्वर, इंडोनेशियन सर्वर, मलेशिया सर्वर, वियतनाम सर्वर, पाकिस्तान सर्वर, एंड ऑल न्यू अभी जो आया हाल फिलहाल में बांग्लादेशी सर्वर। इनके अलावा भी हाल फिलहाल में कुछ नए सर्वर्स भी ऐड हुए हैं, जो कि है अमेरिकन सर्वर, साउथ अमेरिका सर्वर, अफ्रीका सर्वर, जापानी सर्वर, ऑस्ट्रेलियन सर्वर, एंटार्क्टिका सर्वर। तो ये सारे सर्वर्स गरीना ने अभी हाल फिलहाल में ऐड किया है, ताकि इन सारे जगह के लोग अच्छे से गेम का एक्सपीरियंस लेके गेम को खेल सके, एंजॉय कर सके। बट द मेन क्वेश्चन इज कि इतने सारे सर्वर्स में से कौन सा बेस्ट सर्वर है। तो इतने सारे सर्वर्स में से कुल 4 ही ऐसे सर्वर्स है जो कि एक्चुअली में पॉपुलर है और लोग चर्चा करते हैं उनके बारे में, बाकी उतने ज्यादा खास चर्चे में नहीं रहते और पॉपुलर भी नहीं है। इन चारों का मैं वजह बता देता हूँ आपको कि क्यों ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है लोगों के बीच में। इंडियन सर्वर के पॉपुलैरिटी के पीछे का कारण है यहाँ के वैल्यू फॉर द प्राइस एंड इवेंट्स की वजह से, जो कि गरीना सर्व करती रहती है बहुत ज्यादा, और हाल फिलहाल में तो और भी ज्यादा हो चुका है आफ्टर द बैन, बिकॉज गरीना चाहती है कि हम लोग कनेक्टेड रहे, एंगेज रहे गेम के साथ, सो दैट इवेंट्स पे इवेंट्स आ रहे हैं। लेकिन हाँ, इस सर्वर के अंदर एक बहुत बढ़िया खासियत यह है कि हमें सस्ते में भी मिल जाता है, और ऊपर से इवेंट्स इतने सारे आते हैं जो कि अफोर्डेबल होते हैं, और इस वजह से यहाँ से टॉप अप भी एक टाइम पे बहुत ज्यादा हो चुका है, इवन इंडिया से बहुत ज्यादा हो चुका है गरीना फ्री फायर में। हम लोग बहुत ज्यादा एक साल में पिछले साल ही बहुत ज्यादा उड़ा चुके हैं, दैट्स अ फैक्ट। ब्राजील सर्वर इज सो मच पॉपुलर जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स अर्ली अपडेट्स एंड नो गन एट्रीब्यूट्स, एंड सबसे मेन गेम प्ले स्मूथ एक्सपीरियंस, नो हाई पिंग, ओनली स्मूथ पिंग, सो ये एक बहुत बढ़िया प्लस पॉइंट है। नेक्स्ट, इंडोनेशियन सर्वर के पॉपुलर होने के पीछे का रीजन है यहाँ के बंडल्स और सो मेनी ऑफर्स लाइक दैट, मतलब जो कि इवेंट्स वगैरह आते हैं वो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, बंदों को पसंद आता है बंडल्स वगैरह, खासकर आप
आप लोगों को पता होगा कि इंडोनेशियन बंदों के पास कुछ ऐसे ऐसे ड्रेसेस है जो कि हमारे यहाँ के बंदे कभी आंख से देखे भी नहीं है कि ऐसा भी चीज़ आया है गेम के अंदर। वो लोग जब देखते हैं उन लोगों को भाई वो लगता है कि अरे गजब है ये चीज़। तो ऐसी ऐसी चीज़ें कभी कभी इंडोनेशिया में आ जाती है जो कि एक्चुअली में बहुत ज़्यादा बढ़िया बना देती है उस सर्वर को। आई डोंट नो व्हाई बट यस दिस इज लाइक्ड बाय सो मेनी पीपल। नेक्स्ट है थाईलैंड एंड वियतनाम सर्वर, जिसकी पॉपुलरिटी के पीछे एक बहुत तगड़ा रीज़न है, वो है फ्री डायमंड्स। जी हाँ, ये चीज़ भी कभी हो सकता है, दिस इज़ पॉसिबल हेयर ओनली। यहाँ पे गड़ीना खुद से फ्री डायमंड्स देती रहती है कभी कभी, और ये चीज़ बढ़िया है, बहुत सारे लोग वहाँ पे पसंद करते हैं। सो यस, ये चीज़ सुनकर आप लोगों को थोड़ा सा जलन हो रहा होगा, आई नो, बट कुछ नहीं कर सकते। बट इन चारों के अलावा एक और सर्वर भी है जो कि बहुत ज़्यादा चर्चे में रहता है। यस, यू कैच इट राइट, दिस इज़ पाकिस्तान सर्वर। तो पाकिस्तान सर्वर भी एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर आज के टाइम पे एक सर्वर है, जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स इवेंट्स स्पेशली बोल सकते हो, जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे कोई भी चीज़ रेयर नहीं रहता है और हर एक चीज़ स्टोर में इजीली अवेलेबल लेवल हो जाता है, अफोर्डेबल हो जाता है। अगर आपके पास वो नहीं है, अगर आप क्रिएटर हो, इन्फ्लुएंसर हो, जो कि होना वहाँ पे बहुत इजी है, आपके पास वी बैज है, तो आप लोग मंगवा के ले भी सकते हो कोई भी चीज इजी पीजी जो कि पास में आ चुका है। तो यस, दिस इज द मेन थिंग कि लोग इसको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। अब बाकी का चीज मैं साइड में रखता हूँ, बट दिस इज द मेन थिंग जिसकी वजह से लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं सर्वर। नाउ द मेन एंड द लास्ट पॉइंट, कौन सा सर्वर बेस्ट है एंड क्यों है? तो इसका सीधा जवाब मैं आपको दूंगा, जो आपको बेस्ट लगे वही बेस्ट। हर एक इंसान का टेस्ट अलग अलग होता है। अगर मुझे मीठा पसंद है तो आपको थोड़ा सा तीखा पसंद होगा, किसी और बंदे का थोड़ा सा नमकीन जैसा स्वाद पसंद होगा, किसी और बंदे को स्पाइसी पसंद होगा। वैसे ही अगर आपको बंडल्स पसंद है तो आप शायद पाकिस्तान सर्वर या फिर इंडोनेशियन सर्वर की तरफ जा सकते हो। अगर मुझे गेम प्ले एक्सपीरियंस चाहिए, मुझे तगड़े वाले गेम प्ले चाहिए, तो मैं ब्राजील की तरफ झुकूंगा। किसी तीसरे बंदे को अगर ज्यादा इवेंट्स और वो भी अफोर्डेबल प्राइस में पसंद है, वो डेफिनेटली इंडियन सर्वर को बेस्ट बोलेगा। अगर किसी बंदे को फ्री में डायमंड चाहिए तो वो बोलेगा ना थाईलैंड सर्वर, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि वो उसके लिए बेस्ट है। तो जिसका जो मर्जी वो बोल सकते हैं इसको बेस्ट, जस्ट बिकॉज कि अपने टेस्ट अलग अलग है। बट हाँ, इन चारों और पांचों जो कि मैंने आपको बताया है, सभी सर्वर जो है यही एक्चुअली में टॉप क्लास सर्वर है। बट आज के टाइम पे इंडियन सर्वर की हालत आप सबको पता है, बट स्टिल इंडियन सर्वर में जस्ट बिकॉज कि ये एक चीज है जिसकी वजह से आज भी इंडियन सर्वर में थोड़ा मोड़ा चल रहा है इवेंट्स वगैरह, जो कि हमारा पहला प्रायोरिटी आता होता आया है, गेम प्ले कभी नहीं रहा अपना। सो दैट्स वाई कि इंडियन सर्वर अभी भी थोड़े चर्चे में है, लेकिन आने वाले टाइम पे कब तक रहेगा दैट्स नॉट कन्फर्म डेट। तो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो डेफिनेटली एक लाइक कर दो, जल्दी से जल्दी, वेट मत करो, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना अगर पहली बार मेरा फेस देख रहे हो तो, क्योंकि मेरे साथ जुड़ने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक दिया है, प्लीज जाके यार फॉलो कर लो, क्योंकि आजकल देख रहा हूँ इंस्टाग्राम पे लोग बहुत कम जा रहे हैं, मुझे फॉलो कम कर रहे हैं, करो यार, वहाँ पे मैं डेली अपडेट्स देता रहता हूँ अपने बारे में, खुद के लाइफस्टाइल के बारे में, और इस चैनल में बहुत कुछ आने वाला है आने वाले टाइम पे, बहुत मजा होगा। सो कीप सब्सक्राइबिंग यार, कीप सब्सक्राइबिंग। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू टुमारो, गुड बाय एंड लव यू ऑल।